हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका रिवन पाल बॉक्स में। तो कल से शुरू होने जा रही है होली की छुट्टियां और कपड़े बहुत सारे टंगे हुए हैं पूरे हफ्ते के, पूरा हफ्ते का। इस पिछले संडे तो कपड़े धो भी नहीं पाया था क्योंकि सैटरडे में ब्लड डोनेट किया था, उसके बाद तो हालत कपड़े धोने वाली रही नहीं थी। तो कपड़े कुछ तो ये टंगे हैं, लेकिन कुछ कपड़े जो यहीं छोड़ के जाने, जो गर्म कपड़े हैं उनको तो घर ले जाऊँगा, घर धुल जाएंगे। लेकिन कुछ कपड़े जो यहीं रखने हैं, अगली बार फिर जरूरत पड़ेगी जब आएंगे, हल्के कपड़े गर्मी वाले, वो उस दरवाजे पर टांग दिए मैंने, उनको धोना है, उनको धो के प्रेस करके यहीं रख जाऊंगा और बाकी जो गर्म कपड़े उनको ले जाऊंगा घर। अरे मैं झाड़ू कर दिया मैंने सफाई, इसके बाद अब वो कपड़े धोने हैं, फिर कुछ खाना वाना बनाएंगे। चलिए, सीटी लग गई, खिचड़ी बनानी रखी थी, दाल की खिचड़ी बनानी है, आज पेट कुछ डिस्टर्ब सा है। तो वे कपड़े जो टंगे हैं वो कपड़े धोने हैं पहले मुझे, नहाने से पहले, और उसके बाद कपड़े धोने के बाद स्कूल के लिए रेडी होंगे, तो शुरुआत करते हैं चलिए काम की। तो फ्रेंड्स, नहा लिया हूँ और कपड़े भी धो लिए हैं और कपड़ों को अभी फैला देता हूँ धूप में, धूप निकल आई है बढ़िया। सारे कपड़े धोए मैंने, ये वाले कपड़े, मोजा, रुमाल, ये दो शर्ट हैं और ये दो पैंट हैं, आगे टी शर्ट और कैफरी वगैरह कई सारे कपड़े तो धो के डाल दिए। कुछ बचे हैं जो उलन कपड़े हैं, वो तो घर ही जाएंगे, वहीं धोएंगे। अंदर साथ के साथ मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, दाल वाली खिचड़ी खा के जाएंगे स्कूल वाली। तो फ्रेंड्स, स्कूल से लौट आए हैं और अच्छा रहा आज का स्कूल का दिन तो हमारा। जब ब्लड डोनेट करके आया तब तो उस समय कोई वीकनेस फील नहीं हो रही थी, लेकिन रात में सोते समय, सोने के बाद अगड़ाहट हुआ है शरीर में थोड़ा सा, और इस समय थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ कुछ वीकनेस आई है। भाई, एक यूनिट ब्लड बहुत होता है, तो थोड़ा देर बाद मैं एहसास हुआ, लेकिन अब पता चल रहा है कि हाँ अगड़ाहट भी है थकान से। मुझे तो ऐसा हो रहा है जैसे हल्का सा फीवर भी हो जाता है। तो जो लाया था नाश्ते के लिए, सब काट पीट कर खा गया, क्या अनार और सेब थे, एक सेब बचाया बस, ये दिन में खा लूँगा। और अनार जो भी थे, अनार से ही ज़्यादा ब्लड बनता है, चकुंदर सलाद में खाऊँगा। तो ये सुबह वाला नाश्ता तो अनार से कर लिया इस समय, और हालांकि खाने के बाद थोड़ा ठीक सा फील हो रहा है, कुछ भूख भी लगी थी इसलिए वीकनेस ही फील हो रही थी, लेकिन ये सब खाने के बाद तो अब ठीक है। ऐसा तो मैं सोच रहा था कि मैच खेलने भी जाऊँगा, क्रिकेट का मैच है हमारा आज, लेकिन समय बताएगा देखो खेल पाऊंगा या नहीं। अगर ऐसे ही फील हुआ थोड़ा फिटनेस सा, तो नहीं खेलूंगा। वैसे दो मत हैं मेरे, मन तो कह रहा है कि मैच खेल लिया जाए, लेकिन शरीर कह रहा है कि रेस्ट किया जाए। भाई, इस मन और शरीर की लड़ाई में मन की जीत होगी, तो मैंने मन की बात मान ली, यानी मन कर रहा था क्रिकेट मैच खेला जाए, तो मैं चला आया हूँ ग्राउंड की तरफ मैच खेलने। कुछ तैयार हैं पहले से ही मैदान में खिलाड़ी, कुछ तो आगे, बाकी धीरे धीरे आ ही रहे होंगे, मैच शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। पिच पे सफाई की जा रही, झाड़ू, धूल मिट्टी उड़ जाए, और इधर ट्राली से कुछ गड्ढों में मिट्टी दाबी जा रही है, गड्ढे बन गए थे, टेंट लगा था यहाँ कुछ दिन पहले, किसी राजनीतिक पार्टी का मंच था कोई, तो उन गड्ढों को बंद किया जा रहा है मिट्टी डाल के। और मैच खत्म हो गया फाइनली, मैच हमारी टीम हार गई, बढ़िया नहीं खेला आज में भी। और शाम का टाइम है, कुछ राशन पानी लेने निकले हैं हम लोग, कुछ खाना वाना बनाएंगे। अब थक गया आज राजेश मिर्चा, पैदल थके नहीं, एकदम ओके है, कुर्सी पकड़ लिया आप दोनों ने तो कोई नहीं स्टूल है भाई अच्छा कुर्सी पे, इससे बचना भैया, अरे सांड है। मटर क्या भाव दिया? मजे की नहीं है यार, अच्छी नहीं है। 20 ठीक तो है, ऐसा अच्छी नहीं है, सुनेंगे आप थोड़ा सा, अरे दान ना है बच्चे, ले रहे हैं टमाटर तो ले लो, अच्छा मुझे ले लेते बच्चे का। ये पीला सा निकाल, हरा सा निकाल दो वो, हाँ मटर डाल दी इंजॉय में, क्या बात है, कितनी ले लें प्याज, क्या लेना है तो ले लीजिए, प्याज महंगी हो गई यार, 50 रुपये किलो है।
मोटा वाला दो, वो मोटा वाला क्या, वो ये अलग अलग कैसे, हाँ सही कौन सा थोड़ा उसकी कली मोटी वो वाला प्रोग्राम ठीक ठीक सा देना यार। फेमस हो जाओगे यहीं आएंगे सब फिर लेने। सही कह रहे, कुर्सी तो ये कार वाली है यार, स्टीयरिंग नहीं है, बस स्टीयरिंग नहीं है, कार वाली कुर्सी पे बैठा भैया। देखिए तो फ्रेंड्स, देखिए आज सब्जी क्या बनने की तैयारी, कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है तेल, डालिए और आज तैयारी है हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनाने। आलू फूल लें, टमाटर फूल लें, आलू और टमाटर को पानी में डाल दिया है। मार साहब बता रहे हैं कि ये आलू टमाटर फूलने के लिए डाल दिया है। भाई लोगों, ये आलू टमाटर इसमें दोनों फूल रहे हैं, हमारे मास्टर शेफ हैं, बहुत टाइट है ये। जीरा डालने के बाद इसमें पहले हमने डाला है प्याज, डॉक्टर बहुत अच्छी महक आ रही है, बहुत बड़ी महक आ रही है, अभी से महक कहाँ डॉक्टर को हम जाएंगे, महक आपका भी बहुत है और आप इसका जो है आनंद ले। मोटी मोटी ग्रेवी मटर बाद में डालेंगे, हाँ बैगन के बाद कभी टेस्ट आएगा तो। बैंगन के बड़े बड़े पीस हमने काट लिए, पूरा एक ही बैंगन था ये, इतना सारा 1 किलो का बैंगन है, 3 लोग खाने वाले हैं, काफ़ी बड़ा बैंगन था। और सब्जी वाला बता रहा था कि ये बाहर से आयात किया गया बैंगन है, यहाँ बहराइच का बैंगन नहीं है, क्योंकि हम उससे पूछ रहे थे कि भैया बहुत बड़ा बैंगन है, अगर काना निकल गया, कीड़ा निकल गया तो पूरा बैंगन खराब जाएगा, तो बोला यहाँ का बैंगन नहीं है, बाहर का बैंगन है, ये खराब नहीं निकलेगा। मसाला डाल दिया है इसमें, नमक भी डाल दिया गया है इसमें, अब थोड़ा सा इसको पलटा पलटी कर देंगे, लगता है कढ़ाई छोटी रह गई, मैं बैंगन थोड़ा बारीक करते हैं, और ये दिन बारीक को मसाला खराब हो जाता है, तो थोड़ी आँच लगा दो ना सर, थोड़ी जल्दी अभी लाइन पे आ जाएगा, ऊपर आ जाए पता ही, तो ये भाप तो थोड़ा होगा ना, रुक जाओ तो फैल जाता है आराम से। मजा आ गया यार देख के, अब आज से पहले आप देखो बहुत जल्दी हो जाएगा नीचे, धीरे धीरे गल रहा है तो कम होता जा रहा, तब देर बन जाएगी तब आलू डाला जाएगा, टमाटर भी बाद में डलेगा, थोड़ा छोड़ देते छोड़ेंगे, हाँ अच्छा आलू टमाटर है तो ये आलू नमक देख लो फिर हम चलो हम जाएंगे उधर से सब ले लेंगे, हाँ ये हो गया चल मेरे बना लेंगे करेंगे सब्जी, बढ़िया बनी है सब्जी, तो आलू में पूरी कसर बाद है, पक गई देख लो थोड़ा टाइट है, कोई बात नहीं, कोई कोई टाइट होगा तो चल जाएगा, बन जाएगा, तो अभी भाप भी है इसमें बन रहेगा, तो नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मशीनरी हमारी भी उठाई बोल रही अब सही है, अब सेंको बढ़िया करेंगे इसको, खस्ता ऐसे पलट पलट के बार बार जल जाएगी नहीं तो, मैं पलटते रहो 4-5 बार पलटो अपने आप सीख जाएगी, बढ़िया देखा जाए ना बढ़िया, अब भाई बढ़िया रोटी कड़क ऐसे कड़क सीखे दबे ना है, मुझको ऐसी बनेगी भाई साहब, ऐसी ही बनेगी सर, अच्छी बेस्ट बेटर बनेगी, नेक्स्ट टाइम की स्टाइल में लाओ मैं सेक के दिखाऊंगा एक रोटी देखो, ना ना ओके सर नहीं सेक पे भी तो रहते हैं, ऐसे फोन लगा लो दर्द वो लगा मैंने तो ऐसे खड़े ऐसे होंगे।
बन गो खाना। रोटियाँ बन के हमारी तैयार हैं, हैं और सब्जी भी तैयार है, आलू तैयारी है हमारी खाना खाने की। खाना हम लोगों को तैयार है और जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, रोटी हम लोगों ने बना ली।